श्री राम जब वनवास को चलते हैं, आज भी राम वनवास का अध्याय जब रामायण में कोई पढ़ता है तो बहुत से लोग इतना प्रभावित हो जाते हैं कि उसको सुन करके रोने लग जाते हैं। उनको लगता है ताजा, लेकिन राम वनवास जाने में भी दुखी नहीं। राम कहते हैं कि दुनिया समझती है राम बन गए, लेकिन सच्चाई ये है कि राम वन में जाकर संत ऋषि मुनियों के चरणों का आशीर्वाद पाकर राम वन में जाकर के भगवान बन गए। वो भगवान बन गए। तो दुख में दुखी न होना, दृष्टा बनकर साक्षी बनकर संसार के स्वरूप को देखते रहना, साहस को कम मत होने देना, पराक्रमी बनो, धैर्य रखो, प्रसन्न रहने की कोशिश करो। अकारण प्रसन्नता आपके चेहरे पर रहनी चाहिए। खुश रहना सीखो। दुख देने वाली बातों को भूलो। नेगेटिव पॉइंटों को विस्मृत करो। दूसरों की अच्छाइयों पर ध्यान दो। दूसरों की कमियों को हर समय मत नजर में रखो, अन्यथा क्रोधी हो जाओगे, बहुत गुस्सा आएगी। फिर अधिक गुस्सा करने से शुगर की बीमारी हो जाती है। तादाद से ज्यादा सोचने से बीपी डिस्टर्ब होता है। अधिक नमक खाने से भी बीपी हाई हो जाता है। ज्यादा मीठा खाने से भी शक्कर होती है, शुगर हो जाती है। और दुखी रहने से डायबिटीज की बीमारी हो जाती है, घुटनों का दर्द होने लगता है। हंसने से आपके शरीर में एंडोर्फिन्स नाम का केमिकल बनता है, जिस केमिकल के माध्यम से शरीर में रोगों से लड़ने की सामर्थ्य पैदा होती है, और वो केवल हंसने से शरीर में बनता है। 20 वर्ष तक तो हंसी इतनी रहती है कि लोगों को मना करना पड़ता है कि जहां बैठते वहां खिखी खिखी करते हो, चुप रहो, शांत रहो। और 20 के ऊपर जब उम्र जाती है तो हंसी खुशी कम होने लग जाती है। 30 वर्ष की उम्र में 50% हंसी रह जाती है। 40 वर्ष की उम्र में 80% हंसी घट जाती है। चिंता, टेंशन, तनाव, घर की चिंता, खेत की चिंता, गाड़ी की चिंता, साड़ी की चिंता, लाड़ी की चिंता, बाड़ी की चिंता, बहुत चिंता है। और जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं उनकी 4 चीजों का नुकसान हो जाता है। ज्यादा चिंता करोगे चिता की तैयारी जल्दी हो जाएगी, इसलिए ज्यादा चिंता भी मत कीजिए। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके हाथ में हैं, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपके हाथ से बाहर है, उनकी चिंता भी मत कीजिए। जैसे भूकंप आना, बाढ़ आना, अकाल पड़ना, इसमें चिंता करने से कोई फायदा नहीं। जो है उसको मंजूर करो। चिंता करने से, टेंशन करने से 4 चीजों का नुकसान होता है। संतापाद भ्रष्यते रूपम, संतापाद भ्रष्यते बलम,
संतापाद भ्रष्यते ज्ञानम, संतापाद व्याधि मिच्छति। संताप करने से, टेंशन करने से सुंदर रूप नष्ट हो जाता है, और संताप करने से मनुष्य का शरीर बलहीन हो जाता है, कमजोर हो जाता है। संताप करने से ज्ञान भी नष्ट हो जाता है, चिंता और टेंशन करने से शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। विचार करना, टेंशन और चिंता आपके शरीर को बहुत बीमारी भी देती है, इसलिए उम्र बढ़ने पर लोग ज्यादा बीमार होने लग जाते हैं। सज्जनों, मैं निवेदन करूंगा, स्वस्थ रहने के लिए दो बातें आपको करना पड़ेगा। नंबर एक, थोड़ा सा योगा कीजिए रोज, सभी महिलाएं, सभी पुरुष, आधा घंटे, और शरीर से कठोर परिश्रम भी कीजिए। साथ साथ में सत्संग भी सुनिए, आपको ज्ञान भी होना चाहिए। ज्ञान के बिना आपकी चिंता दूर नहीं होगी। टेंशन मुक्त हो जाओ, कितना ही संभालो संसार की व्यवस्थाओं को, सब नाशवान है। हंसते हंसते इसको संभालिए, इसके लिए चिंता में अपने आप को मत जलाइए। इसलिए 40 वर्ष के बाद लोगों के शरीर की सुंदरता नष्ट हो जाती है। कितने लोग 25 साल की उम्र में भी बूढ़े जैसे दिखाई देते हैं, क्या हो गया उनको? कभी तुम बेटों की टेंशन करते हो, कभी सर्विस की चिंता करते हो, योग्य कर्म कीजिए। गुरु जी के आशीर्वाद से सब अच्छा ही होगा। सुना जाता है एक सेठ बैठा था और उसकी पत्नी भी साथ में बैठी थी, तो पत्नी के गले में बहुत महंगा सोने का हार था। भीड़ ज्यादा थी तो भीड़ भाड़ में सोने का हार खो गया। तो उस स्त्री ने अपने पति से बताया कि जो गले में सोने का हार था वो खो गया। तो पति ने कहा, अच्छा हुआ, ठीक है, बैठो शांति से। थोड़ी देर बाद, एक घंटे के बाद वो हार मिल गया, कोई ईमानदार आदमी के हाथ लग गया तो वो मिल गया। तो फिर सेठानी ने कहा कि जो सोने का हार खो गया था वो मिल गया है। तो सेठ ने कहा, बहुत अच्छा हुआ, बैठो शांति से। तो सेठानी ने कहा कि खो गया तो भी कहते हो बहुत अच्छा हुआ, मिल गया तो भी कहते हो बहुत अच्छा हुआ। तो सेठ ने कहा, खो गया इसलिए मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ कि अब
भय खत्म हो गया, अन्यथा उस हार के लिए कोई तुम्हारा गला काट देता, और वो डर खत्म हुआ, अच्छा हुआ। और मिल गया तो इसलिए मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ कि अब दोबारा हमें खरीदना नहीं पड़ेगा, वो भी अच्छा हुआ। दोनों में अच्छा है। कोई भी घटना है उसमें तुम सुख भी देख सकते हो, दुख भी देख सकते हो। देखने की नजर चाहिए, हानि में भी लाभ दिखाई दे सकता है आपको, और लाभ में भी हानि दिखाई दे सकती है। आनंद लीजिए। अभी सत्संग में लोग आ रहे थे, पानी बरसने लगा। कोई एक आदमी अपने सिर के ऊपर कपड़ा डालकर वर्षा की बूंदों से बचता हुआ आ रहा था, कोई दूसरा आदमी छाता लगा कर आ रहा था, कोई तीसरा आदमी भागकर किनारे खड़ा हो गया और कह रहा था कि इंद्र देवता को इतना भी ज्ञान नहीं कब बरसना चाहिए। लेकिन एक छोटा सा बच्चा, वो न छाता लगाए था, न कपड़ा ओढ़े था, न किनारे खड़ा था, वो खुले आकाश के नीचे भीगता हुआ, हंसता मुस्कुराता, हाथ पांव इधर उधर फेंकता हुआ आ रहा था। वो बालक जो भी प्रकृति से मिल रहा है उसमें भी आनंद मना रहा है। याद रखना, जीवन में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनमें तुम परिवर्तन नहीं कर सकते हो, बदलाव नहीं कर सकते हो। यदि उनको हंसते हंसते मंजूर कर लोगे तो आप खुशियों से भर जाओगे, और यदि नहीं मंजूर करोगे तो मजबूर होकर के दुख से भर जाओगे। इसलिए मंजूर कर लीजिए, वहां कोई उपाय नहीं है। विदुर जी महाराजा धीराज धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं, उद्योगम संयमो दाक्षम अप्रमादो कारुण्यम वाग निष्ठुरा मित्राणाम चा अनभियद्रोह सप्तैतः समिधि श्रिया। श्रिया माने लक्ष्मी। ये सात चीजें जिसके घर में होती हैं, जिसकी जिंदगी में होती है, उसके घर में लक्ष्मी का निवास होता है। और लक्ष्मी के दो रूप होते हैं, ध्यान देना इस बात पर। एक तो धन भी लक्ष्मी है, और दूसरा तुम्हारी जो पत्नी है ये गृह लक्ष्मी है, और एक और तीसरा रूप है लक्ष्मी का कि मन की जो शांति है वो लक्ष्मी का सबसे उच्च कोटि का स्वरूप है। जिसके घर में पूर्ण लक्ष्मी की कृपा है तो उसके घर में धन भी होगा, गृहस्थ के घर में, और शांति भी होगी। और उसकी जो पत्नी है वो गृह लक्ष्मी की तरह से घर का संचालन करती होगी, टेंशन नहीं पैदा करती होगी। उद्योगम संयमो दाक्षम, दाक्षम का अर्थ है कुशलता हो, पारंगता हो, अपनी योग्यताओं में निखार लाइए, गुणों को विकसित कीजिए। हड्डी के मांस पुतले की कीमत नहीं है, इस शरीर में जो गुण हैं उनकी कीमत है। मानुष तेरा गुण बड़ा। अगर हमारे में संत का गुण ना होता, सत्संग सुनाने का गुण ना होता, तो क्या मुझे आप यहां बिठाते? क्या आप सामने आकर बैठते? नहीं। गुणवान बनो,
शकर में मिठास का गुण है इसलिए उसको चीनी कहा जाता है। शकर में मिठास का गुण है इसलिए उसको चीनी कहा जाता है, और अगर मिठास का गुण निकाल दिया जाए तो उसको कोई शकर नहीं कहेगा। ऐसे मनुष्य में अगर मनुष्यता का गुण है तो ही इसे मनुष्य कहा जाता है, अगर मनुष्यता का गुण नहीं रहा तो इसको मनुष्य नहीं कहा जाएगा। मनुष्यता का गुण विकसित करो, गुणवान पति बनो, गुणवान पत्नी बनो, गुणवान गुरु बनो, गुणवान पुत्र बनो, गुणवान बेटी बनो। तुम्हारे ऊपर तुमको मानने वालों का गर्व होना चाहिए। तुम्हारे माता पिता कहें कि मेरी बेटी महान है, मेरा बेटा महान है, उनका गौरव ऊंचा कर दो। किसी गुरु के शिष्य बनो तो गुरु का गौरव ऊंचा करो। किसी के घर में बहू बनकर जाओ, सासू तुमको देखकर मुस्कराए कि बहू क्या आई है, बिल्कुल देवी का रूप आई है। सासू को गर्व रहे कि मेरी बहू जैसी गांव में कोई दूसरी बहू नहीं है, ऐसी बहू बनो। ऐसी विशाल हृदय की सासू बनो कि तुम्हारी बहू अपनी माँ को भूल जाए और तुम्हारे अंदर ही माँ का रूप देखने लग जाए और कहे कि जो प्रेम हमको हमारी सासू से मिला वो मेरी सगी माँ से भी नहीं मिला है, हमारी सासू बहुत गौरवशाली सासू है। ऐसी सासू बनो। उच्च कोटि के शिक्षक बनो, सुयोग्य डॉक्टर बनो, सुपर क्लास के संत बनो, अहरे गहरे नथु खैरे मत बनो। संत हो गए बीड़ी पी रहे हैं, बीड़ी मत पीना। केवल प्रवचन से समाज को नहीं सिखाना है, आचरण से भी सिखाना है, खान पान से सिखाना है। एक सज्जन मेरे पास में लौंग लेकर आए तो मैंने फिर उनको वापस किया, ले जाओ, बोले आप खा लो। तुमने कहा मैं तो खाता ही नहीं हूँ। बोले तो सुपारी खा लो। मैंने कहा सुपारी तो छूता भी नहीं हूँ मैं। बोले इलायची खा लो। तो हमने कहा कुछ भी झंझट नहीं है, केवल रोटी दाल चावल, बस चार में काम खत्म। तो बोले पान तमाखू। तो हमने कहा जो खाता हो उसका भी छोड़ा देता हूँ, मैं तो खाता ही नहीं। संत नशा व्यसन से मुक्त हो ताकि समाज के लोग उससे सीखें। नशा करने से शरीर का स्वास्थ्य खराब होता है, समय खराब होता है, पैसा खराब होता है। एक एक बूंद इकट्ठी करो तो घड़ा भर जाता है। छत्तीसगढ़ में एक हमारा भक्त है जिसका नाम है खगेंद्र साहू। रात में मैं जा रहा था तो मेरी गाड़ी को क्रॉस करके उसने गाड़ी आगे निकाली और आगे गाड़ी खड़ी कर दिया, तो उसकी गाड़ी में पीछे लिखा हुआ था महान गुरुदेव असंग साहेब। तो मैंने कहा मेरा नाम कौन लिख दिया अपनी गाड़ी में। वो गाड़ी से उतरा और रोका, कहा रुकी, चरण छुआ, कुछ पैसे भेंट दिया। तो हमने कहा खगेंद्र जी कहाँ जा रहे हो, मेरा नाम लिखा है। बोले आपकी कृपा से गाड़ी आई है, मैं नशा करता था, पुड़िया खाता था, पान खाता था, तमाखू खाता था, बीड़ी पीता था, आपका प्रवचन सुनकर सब छोड़ दिया। और आपने कहा था पैसे कमाना सीखो, पैसे बचाना सीखो, और बचे हुए पैसे से अच्छी गाड़ी लाओ, अच्छा मकान बनाओ, परिवार का अच्छा पालन पोषण करो, धर्म को बचाना सीखो, इंसान को बचाना सीखो। तो वही नशा का पैसा बचाकर गाड़ी लाया हूँ, तो आपके चरणों में नमन है कि आपकी कृपा से गाड़ी आई है। बोला 100 रुपये का नशा रोज कर लेता था,
कभी कभी 150 का, 50,000 रुपये साल में बच गए, 3-4 साल में 2-2.5 लाख हो गए, और ये गाड़ी ले आया मैं। मैं आपसे भी कहूँगा, पैसा कमाना तो एक कला है, लेकिन पैसा बचाना उससे बड़ी कला है, और बचे हुए पैसे को सही खर्च करना ये सबसे बड़ी कला है। और पैसा कमाने में जितनी बुद्धि की जरूरत है, पैसा बचाने में उससे डबल बुद्धि की जरूरत है। और पैसा बचाने में जितनी बुद्धि लगती है, सही जगह पर पैसा खर्च करने के लिए उससे भी और डबल बुद्धि की जरूरत है, अन्यथा तुम्हारा कमाया हुआ पैसा ही तुमको बर्बाद कर देगा, तुम्हारा पतन कर देगा। पैसा कमाओ तो बचाओ भी। अपने परिवार को अच्छे कपड़े भी पहनाओ, अच्छा मकान बनाओ, अच्छी गाड़ी लाओ। कल हमारे पास में इस गांव के सरपंच राज